जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे हाथ में जो आप ये एक कुछ एग्रीमेंट देख रहे हैं, ये खास कागज है। आप देखेंगे कि इसमें माने केपी चौधरी साहब की फोटो और एक एग्रीमेंट है बाकायदा। इसमें पीछे जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई प्रॉपर्टी है 500 गज दिल्ली से सटे कौशाम्बी में, दिल्ली से सटे बिल्कुल कौशाम्बी, 1 किलोमीटर का एरिया है और कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल एक 3-स्टार होटल है, उसके बराबर वाला एक प्लाट है 500 गज का। ये उसकी एग्रीमेंट की कॉपी है, 6.5 करोड़ रुपए में ये प्लॉट खरीदा गया। और खरीदा किस काम के लिए गया, ये बात महत्वपूर्ण है। बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, लेकिन अब हम इस प्रॉपर्टी पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी को इसलिए खरीदा है, LIC के SC ST सरकारी कर्मचारी के संगठन ने इसलिए खरीदा है कि वहां पर एक डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाया जा सके। बहुत सारे देश भर में सरकार की जमीन पर या सरकार से अलॉट करा करके जमीन को उस पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंधित बहुत सारे, सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से संबंधित, बहुजन महापुरुषों से संबंधित बहुत सारे भवन आपने देखे होंगे। लेकिन मेरे अपने होशो हवास में पहली बार है कि 6.5 करोड़ रुपए की जमीन परचेज की गई हो मूवमेंट को चलाने के लिए, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, और फिर उस पर 6 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च आएंगे। बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, प्रशंसा होनी चाहिए काम की। और मैं चाहता हूं कि आज इस पर चर्चा जो हम लोग सीधे सीधे माना KP चौधरी साहब से बातचीत कर लेते हैं कि इसके पीछे और इससे आगे क्या है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद कि आपने इतना बड़ा काम जो है वो भारत के इतिहास में, हमें तो लगता नहीं है कि किसी संगठन ने 6.5 करोड़ रुपए की जमीन जो है वो मूवमेंट के लिए खरीदी और फिर उस पर बिल्डिंग बने। मन में, मस्तिष्क में इतना बड़ा विचार, इतना विशाल विचार आया कैसे? देखिए, आज से करीब 30 साल पहले जब हम लोग अपने भाइयों के साथ में मीटिंग के लिए जगह ढूंढते थे जी, तो हमें जगह मिलती थी जंतर मंतर या पालिका बाजार की छत जी। काश में बैठ करके हम मीटिंग किया करते थे तो हमारे मन में एक भाव आया कि काश हमारे पास भी अपना कोई कार्यालय हो। प्रयास हुआ, प्रयास होने में हमने देखा कि कनॉट प्लेस के अंदर बाबा अम्बेडकर के आशीर्वाद से 4,000 स्क्वायर फीट का ये विशाल कार्यालय हम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ इसको बनाने का। और यहाँ पर हमने ना केवल इसको बनाया बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इसको हमने उपयोग में लाने के लिए उपलब्ध कराया जी। और ऐसी स्थिति में जी, जब अपने समाज को किसी भी भाई ने हमसे कोई चीज मांगी, अब हमसे कोई भी चीज अगर मांगी कि हमें मीटिंग के लिए जगह चाहिए, तो हमने मीटिंग के लिए जगह उनको दी और बड़ी खुशी के साथ में। पर हमने समझा कि हमारा सौभाग्य है कि अगर हमने कोई बाबा साहब के मिशन के लिए अगर हम कुछ कर पाए और हमारे समाज के लोगों के काम उचित आ रही है, तो यह इसको हमने अपना सौभाग्य समझा जी। और इसका साक्षी पिछले वर्षों में पूरा समाज हमारी इस गतिविधि का साक्षी रहा। इसी कड़ी में हमने अपने समाज के लोगों से कहा कि हम चाहते हैं कि ओवरऑल ये जगह जो कनॉट प्लेस की है, ये है तो सरकारी ही, बिल्कुल ये आज हमारे संगठन के नाम पर आवंटित है, अलॉट है, बट है सरकारी। क्यों ना अपनी जमीन परचेज करके, अपनी ही जगह परचेज करके अपने बाबा साहब का घर क्यों ना बनाए। हमारे लोगों ने इस विचार को पूरे देश में बड़ा सराहा, उन्होंने संकल्प लिया, हमसे कहा कि सर आप ये काम आगे बढ़िए, हम इसमें तन मन धन का हमारा सहयोग रहेगा। इसी कड़ी में ये दिल्ली के अंदर भी सोचा गया कि दिल्ली में इसे बनाया जाए। एक दो जगह देखी गई जहाँ द्वारिका एक जगह थी, वहां पर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट के बारे में भी चर्चा की गई, लेकिन उसमें पाया गया कि उसमें आप सारे काम नहीं कर सकते। अगर आप बच्चों का हॉस्टल बनाना चाहते हैं तो उसमें गेस्ट हाउस नहीं हो सकता, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं हो सकता, मेडिकल सेंटर नहीं हो सकता, मीडिया सेंटर नहीं। अगर मीडिया सेंटर के लिए तो उसमें बच्चों का हॉस्टल नहीं हो सकता। तो सरकारी जो टर्म एंड कंडीशन थी वो हमको सूट नहीं की। हम चाहते थे कि अपने समाज के लिए मल्टी इन वन हम एक प्रोजेक्ट ला करके समाज को समर्पित करें। और उसी कड़ी में फिर हमने देखा कि अपना खुद का एक प्लॉट सेंटर के नाम पर परचेज किया जाए। लेकिन 500 मीटर के प्लाट को खरीदने में दिल्ली में हमने देखा कि 10 से 15 करोड़ के आसपास की कॉस्टिंग आ रही थी, जो कि हमें लगा कि ये ज्यादा होगी। साथ साथ फिर भी हमने द्वारिका में बहुत ढूंढा, बड़ी कोशिश की, लेकिन वहां हमने देखा कि हमारे समाज के लोगों की संख्या बहुत कम है। वहां पर ऐसे भी एलिमेंट थे जो कि शरारत तत्व कहे जाते हैं, और वहां पर हमें लगा कि जब समाज की गतिविधि समाज के बीच में होंगी तो समाज के ज्यादा सार्थक होंगे। तो इसमें बुद्धिजीवियों ने हमें सलाह दी कि देखिए
ये जमीन थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी, दिल्ली ना होती हुई दिल्ली में ही मिल जाएगी, दिल्ली आईएसबीटी, दिल्ली का आईएसबीटी, दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन आनंद विहार, उसके साथ सिर्फ ये 100 मीटर की दूरी पर ये जगह है जो कि कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के साथ है ना, तो और उसके साथ में 24 मीटर का जो एक इसका रोड है जिस पर आप 6 मंजिली जो बिल्डिंग है बनने का उसमें प्रावधान है बेसमेंट, उसके बाद स्ट्रीट पार्किंग 4 मंजिल उसके ऊपर। तो हमने सारे एस्पेक्ट को स्टडी करने के बाद ये तय किया कि अगर हमें यहाँ कोई प्लॉट मिल जाए 24 मीटर रोड पर, सौभाग्य से बाबा साहब के आशीर्वाद से 24 मीटर रोड कौशाम्बी में डी टेन के नाम से ये प्लॉट एक हमको मिला। ये बरेली के ये निवासी हैं, इनका अपना बिजनेस है, व्यापारी हैं, तो हमने इनसे बदली जाकर के अभी 1 जुलाई को मुलाकात की और उनके साथ में सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में ये प्लॉट 5,65,00,000 में इसका फाइनल हुआ। इसके अलावा इसके रजिस्ट्री चार्जेस, इसके न्यूट्रिशन चार्जेस, बीच में जो अपना कमीशन लेने वाले जो एजेंट्स हैं उनके सारे मिला करके ये करीब 6,50,00,000 के आसपास संभावित इसकी कॉस्ट मानी जा रही है। और इसमें 1 करोड़ रुपए का भुगतान हमने 1 जुलाई को चेक के माध्यम से जो प्लॉट के मालिकों को कर दिया। बाकी इसके बाद में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत दृढ़ स्वीकार किया, सब लोगों की भावना थी कि क्यों ना इस प्लॉट की रजिस्ट्री जो समाज के लिए समर्पित है, बाबा साहब का घर में बनाया जा रहा है, बाबा साहब के नाम से बनाया जा रहा है और समाज को समर्पित किया जा रहा है, क्यों ना 14 अक्टूबर 1956 को ही इसकी रजिस्ट्री कराई जाए। तो ये अब जो बचा हुआ अमाउंट है इसको 5,65,00,000 में से 1 करोड़ देने के बाद 4,65,00,000 रुपया जो बचता है ये इसका भुगतान हमारे लोगों के द्वारा ये अक्टूबर के महीने में कर दिया जाएगा। 14 अक्टूबर को इसको 2021 को इसकी रजिस्ट्री करके ये समाज को समर्पित कर दिया जाएगा। आगे का क्या प्लान है चौबीस में, बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग में क्या क्या गतिविधियां रहेंगी, कैसे कैसे लोगों को मतलब उसमें उनको स्वीकृति मिलेगी आने जाने की, क्या प्लान है आगे का? देखिए इसमें एक फ्लोर पर हम लोग बच्चों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं जिसमें बच्चे हमारे रहें, गरीब समाज के बच्चे आए, दिल्ली में कहीं ऐसी जगह नहीं है बच्चों के लिए। एक फ्लोर पर हम लोग उनके लिए सिविल सर्विस का, मेडिकल इंजीनियरिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग सेंटर बना रहे हैं। एक फ्लोर पर देश विदेश से जो लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग, गरीब लोग आते हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस बना रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे समाज के लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से हम उपलब्ध करा सकें। एक फ्लोर पर हम बाबा साहब अम्बेडकर का लाइब्रेरी, उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिससे एक फ्लोर के ऊपर हम मेडिकल का एक सेंटर, साथ साथ उसमें मीडिया सेंटर और एक स्टील जो पार्किंग होगी उसमें हम बोध विहार की स्थापना करें, उसमें हम सारे महापुरुषों की फोटो उसमें लगा करके और सुबह को उसमें कैडर कैंप जो है हमारा, जो हमारा जो बोध विहार होगा उसमें हम अपने बच्चों को कैडर देंगे समाज के बारे में, बच्चों को तैयार करेंगे बाबा साहब के मिशन के बारे में, उन्हें बेसमेंट होगा उसको हम कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हमारे समाज के लोगों के लिए मीटिंग के लिए कुछ जगह होनी चाहिए जहां 500 आदमी, 400 आदमी, 250 आदमी, 300 आदमी बैठ के बात कर सकें। तो ये पूरी बिल्डिंग 6 मंजिली इमारत जो है हमने इसको एक जैसा ही परमिशन नगर निगम के द्वारा, जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके द्वारा जो इसमें हमने डिस्कस किया है, क्योंकि 24 मीटर चौड़े रोड पर 6 मंजिली इमारत बनाने का, इसमें बेसमेंट, स्ट्रीट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और टॉप फ्लोर पर हम बच्चों के लिए एक मेस की व्यवस्था करेंगे, जिससे बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था हम कर सकें। तो चौबीस साहब जैसा जैसा आपने बताया इस सारे सिस्टम को जो आपका संगठन है वाली वही इसमें क्या नाम है भूमिका है, भूमिका निभा रहा है या और भी कोई लोग हैं? देखिए इसमें अभी तक की जो भूमिका है आप कहेंगे कि बैकबोन की भूमिका में, तो ये संगठन अपनी जगह आपने देखा कि चाहे तालकटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम रहे हों, चाहे आपने देखा कि हम राजपथ पे बाबा साहब की झांकी निकाल रहे हों, चाहे टी शर्ट हम बाबा साहब की प्रिंट करा के बांट रहे हों, चाहे कोई भी आंदोलन अगर दिल्ली की धरती पर आपने देखा, चाहे रामला मैदान के आंदोलन आपने देखे, उसमें LIC परिवार की भूमिका आप लोगों ने स्वयं देखी है, हमेशा से है। ये समाज का कौन है, LIC के लोग तो इसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। कब तक तैयार हो जाएगा ये जो आपने बताया 6 मंजिला बिल्डिंग, उसको कब तक तैयार? देखिए ऐसा है कि इसको 14 अक्टूबर को हम रजिस्ट्री करके अपनी जो भी टीम होगी, समाज के इंजीनियर्स भी होंगे हमारे, बहुत सारे लोग हमारे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, उन्होंने ऑफर किया है इस बिल्डिंग को हम देख रेख में बनाएंगे और बहुत सारे समाज के जो हमारे लोग बिल्डर्स हैं काम कर रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री होगी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की, और जो भी एक समय सीमा, मिनिमम समय सीमा हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो बिल्डर्स जो बनाएंगे इसको, वो समय सीमा वही डिसाइड करेंगे कितना समय उनको लगेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है
कि इसको हर हालत में 2022 में 14 अप्रैल तक अगर हम हमारी हर कोशिश होगी कि बाबा साहब के जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को उस दिन इसकी दृष्टि हो और 14 अप्रैल 2022 को ये पूरे समाज को डेडिकेट कर दिया जाए। तो दोस्तों आपसे केपी चौधरी साहब जिस प्रकार से उन्होंने बताया तो इस तमाम जो हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है बहुजन समाज है उसके लिए हर्ष का विषय है कि मैं तो अपनी जानकारी में बता सकता हूँ, मैं पूरे मुल्क भर में घूमा हूँ, पहली बार दिल्ली NCR में इतना बड़ा काम हो रहा है जो लगभग मैं अगर खुद बताऊं तो 10-12 करोड़ रुपए में बनकर के ये सारा तैयार होगा। तो पहली बार कोई संगठन है जो 10-12 करोड़ रुपए खर्च करके अपने समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बौद्ध में सपने के लिए बाबा के भारत बौद्ध में हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम जॉय साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को साधुवाद, दिल से साधुवाद कि आपका जो काम है बहुत ज्यादा सराहनीय है। और मैं तमाम मुल्क के वासियों से कहूंगा, तमाम अम्बेडकर वादियों से कहूंगा कि कम से कम आप इस वीडियो के नीचे जॉय साहब को थैंक्स जरूर लिखे। मैं राहुल नागपा कैमरामैन CR बोध के साथ दिल्ली कर्नाटक।